गतिज ऊर्जा बढ़े, गुरुत्वाकर्षण नहीं निकाल के लो, वो वाला पिज्जा भेजे हैं। गुरुत्वाकर्षण कुछ फैक्ट होंगे उसको बढ़ा देंगे। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन TATION है ना, ग्रेविटेशन। पॉलिटेक्निक में तुमको 20 क्वेश्चन रहेगा वन लाइनर, सीधा टिक करने वाला डायरेक्ट। 10 क्वेश्चन तुम निकल रहेगा, देखो पॉलिटेक्निक बता, उस दिन चर्चा भी किया था। 30 क्वेश्चन में 20 रहेगा वन लाइनर, जिसमें उतना नहीं माथा लगाना पड़ेगा, हल्का फुल्का कलम उठाना पड़ेगा, सीधा सी भेज देगा 20 को। उसमें 5 को रहेगा फुल्ली नॉमिनिकल, वो मतलब लगेगा कि बिना 7-8 लाइन का घिरने वाला वो नहीं है। और 5 को मतलब उसका आधा मेहनत, इस ये रेंज है, हर एक सेट में इसे मिलेगा। यानी कि तुमसे वो इस प्रकार देगा बना करके, 20 जाते जाते तो दम तोड़ देगा, 20 से ऊपर जल्दी नहीं बनेगा तुमसे, 20 तक आराम से बन जाएंगे। 10 क्वेश्चन देंगे इससे नहीं बनेगा, 10 में भी उसके बाद 5 बन सकते हैं, तो 5 तो उम्मीदें कम है कि बनवो करे, पता नहीं चलेगा कि कहाँ से इंटर और 12th घुसा दे देता है, बात समझ में आ गया ना। ये प्रकार से है तो हम लोग ले चलते हैं 20 प्लस का टारगेट, और 20 प्लस सफिशियंट है, वो समझ में आ गया ना, सफिशियंट है। वो जो गाइड सब पागलाने के लिए दिया है, गाइड सब बहुत हार्ड क्वेश्चन दिया है, वो सब क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है। उल्टा पुल्टा वाला कहीं निकलता है, जिस ग्रुप में भेजे वो क्वेश्चन कहीं निकलता है, टेलीग्राम वाला कहाँ गया, टेलीग्राम बहुत चतुर है। देखो गुरुत्वाकर्षण है ना, गुरुत्वाकर्षण क्या होती है समझना ध्यान से सब आदमी, है ना। और ग्रेविटी चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसीलिए उतना दिमाग नहीं लगाओ, लगाते हो ठीक है, कोई बात नहीं है, दिमाग लगा सकते हो, लेकिन हमारे काम का नहीं है वो सब। जितना हमने पढ़ा दिया है ना, सिलेबस से बेसी हमें पढ़ाते हैं, बहुत पढ़ा दिया है। गुरुत्वाकर्षण क्या होती है, दो वस्तु कहीं पर रखे हुए हैं पूरा ब्रह्मांड में, दो वस्तु क्या हैं, दो बॉडी हैं रखे हुए हैं, एक बॉडी का मास M1 है और दूसर बॉडी का मास क्या है, M2 है। तो उसके बीच में एक बल लगती है, वो दोनों बॉडी एक दूसरे क्या करती है, अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। वो जो खींचती है ना, ठंडा लग रहा है, इधर से बैठो ठीक है। एक M1 मास का बॉडी है और दूसरा किस मास का बॉडी है, और इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, पता होगा गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन इससे लिफ्ट से। एक M1 मास का, अरे पॉलिटेक्निक तुमको तो उतना पॉलिटेक्निक में कितना कराया जाता है, स्थितिज ऊर्जा किसमें होगा, चाबी देंगे स्थितिज ऊर्जा, दौड़ेगा तो गतिज ऊर्जा, वो एग्जाम पूरे खत्म है सिलेबस, MV² बढ़ेगा घटेगा ये होगा। लेकिन जितना लेवल बढ़ा दिए हैं वो काफ़ी लेवल है, इससे आगे लेवल मत बढ़ो, बना क्वेश्चन दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग इससे आगे लेवल नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अप एक्सट्रीम हो जाए रेलवे का तब सिलेबस हो जाएगा वो, क्योंकि उस टैक्स क्रमिकल रेलवे में पूछा जाता है, SSC में नहीं पूछा जाता, अब पॉलिटेक्निक के सिलेबस SSC सिलेबस है, बात समझ में आ रहा है ना। M1 मास का एक बॉडी है, दूसरा M2 मास का एक बॉडी है, दोनों में से कुछ दूरी होंगे, समझ में आ गया ना, दूरी कितना मान लेते हैं हम लोग, R मान लेते हैं। एक बॉडी है जिसका मास M1 है, दूसरा बॉडी है जिसका मास कितना है, M2 है, तो इसका एक गो का मास M1 और दूसरा का मास M2, और दोनों में से कुछ दूरी होगा तो दोनों बापू एक दूसरे खींचेगा, यो खींचेगा यो खींचेगा ई खींचेगा। तू वो दिन कह रहा था कि धरती काहे नहीं जा रहा है उधर, आज जवाब मिलेगा इसका, सिलेबस आएगा तो ना पढ़ाएंगे इस बारे में, कहा था ना कि जब सूर्य इतना पावरफुल है तो ग्रेविटी मैंने कहा कि डिपेंड करता है कौन चीज़ पे, मास, मास अधिक होगा तो अधिक होंगे, हाँ तो आज जवाब मिल जाएगा उसको ना। तू मारेगा एक मौका तो तुझको भी बगल वाला में एक मौका मारेगा, ठीक बात वही, यहाँ न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ लागू होती है, न्यूटन कौन लागू होती है, थर्ड लॉ, समझना। ये बॉडी इसको जिस फोर्स से खींचेंगे ई भी उसको उतने ही फोर्स से खींचते हैं, दोनों पर लगने वाले बल क्या हैं, बराबर हैं, जिस कारण से जितना लगाता है सूर्य उस पर पृथ्वी पर और पृथ्वी सूर्य पर उतने लगाता है, इसी कारण से मैं घिसकता वहीं पर है वो, समझ में आ गया ना, क्या कुछ समझा नहीं, समझ में आया होगा आगे समझ में आएंगे। तो इस क्या कहा न्यूटन, देखो इसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम या न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहा जाता है, और ये यूनिवर्सल लॉ है, सुना होगा, सार्वत्रिक नियम, न्यूटन का न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम भी इसे कहा जाता है, यानी गुरुत्वाकर्षण लॉ, ग्रेविटी लॉ, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण, देखो कई नाम, कोई गुरुत्वाकर्षण के नियम,
तो कहेगा न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नियम, कहेगा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम, जो मन माया वो कह देता है, यूनिवर्सल लॉ इसे कहा जाता है, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ। समझ में आना क्या होती है, एक मास है M1 और दूसरा मास के M2, उसके कुछ क्या होंगे दूरी होंगे, तो इनके बीच में कुछ बल लगते हैं, इसमें क्या लगते हैं जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, वो कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स कि मास कितना लगेगा, कहता है दोनों के मास को गुना कर दो, बल कितना लगेगा, बंद करो बंद करो इधर से, वहाँ पूछते खींच लो, गर्मी लग रहा है शरीर में, गर्मी लग रहा है, तू बुझ रहा है क्या लगता होगा। इसका मास क्या है, M1 है, एकर मास की है M2 है, दोनों का गुणनफल का की होगा समानुपाती होगा, दो बॉडी के लगने वाले बीच का गुरुत्वाकर्षण बल दोनों बॉडी के मास के गुणनफल के समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और उनके बीच का दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 FG इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोमेंट क्या होगा, अब प्लेटफॉर्म 1 और 2 को फेंट दो आपस में, तो जब फेंट देगा तो FG बराबर FD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 M2 क्या होंगे, गलत गलत कहा, सुबह से पूरा फॉर्म मार रही है इसीलिए गलत हो रहा है ना। अच्छा देखो तू पढ़ा होगा, जब कांस्टेंट हटता है देखो बीच में कुकुर आ जाता है, वो बाबगर जी है, वो क्या है अब बहुत खतरनाक, क्योंकि क्वेश्चन इसी से एग्जाम आता है, जी M1 M2 बटे R2 तो पढ़ क्या होगा, बोलो जी का मान कितना होता है, पक्का याद नहीं होगा, 9.8 है देखा, 9.8 है, हम किस कैपिटल जी का मान पूछ रहे हैं, पवन बोलेगा 10^11 इसका जितना वैल्यू इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका मात्रक है, पता नहीं एग्जामिनर की खाता है क्या कहो न जी का मात्रक, वो कह देगा कहेगा जी का मान बताओ, समझना करना, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमको सिर्फ रखना ई वाला याद, कैसे याद रखेंगे देखो, किसी भी दो बॉडी के बीच में कुछ यूनिवर्स में कोनो दो बॉडी होगा, सूरज पकड़ लो चंद्रमा पकड़ लो, सूरज पकड़ लो धरती को पकड़ लो, हम तुम्हारे बीच में, हमारे पृथ्वी के बीच में, हमारे सूर्य बीच में, कोनो के बीच में ई बल काम करेगा, समझ में आ गया, सब क्या करते हैं ई बल काम करते हैं, तो ई बल करेगा किस पर निर्भर करता है, इस फार्मूला में क्या है उसी पर करेगा निर्भर, जो फार्मूला में है उसी पर करेगा निर्भर, कहेगा यो है कहेंगे ये पर नहीं करता, बाद में चर्चा करेंगे, ई बंश कुरहर है, इस बारे में बाद में बहुत खतर लोग हैं, राजा हरिश्चंद है, सब जगह समान रहते हैं, सत्यवादी है ये, राजा हरिश्चंद है, आ रहे हैं उस बारे में, इसको छोड़ दो तो बाकी पूछेगा कोई दो बॉडी के बीच में लगने वाले बल किस पर करेंगे निर्भर, मास पर, और उनके बीच के दूरी करेगा निर्भर, मास को यदि रखते हो कांस्टेंट और नज़दीक आते हो, चलो क्वेश्चन करते हैं, मास को क्या किया है, मैंने दोनों बॉडी को मास को फिक्स कर दिया, अब मान लो एक बॉडी जैसे यहाँ है, देखो एक बॉडी यहाँ एक बॉडी यहाँ, ये दोनों बापूत के बीच में कौन बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा, अच्छा अभी दूरी इतना है, अब दूरी घटा दिए, अब दूरी इतना है मान लो, अब तू कहेगा बल बढ़ा कि घटा, इसका बल सर घट जाएगा, लगने वाला बल बढ़ जाएगा, दूरी घट गया, जब नज़दीक आते हैं ना नीचे में आ रहे हैं ना, दूरी क्या होंगे घटेंगे, क्योंकि मास फिक्स है, मास तो वैसे फिक्स है, तो बल क्या हो जाएंगे लगने वाले बढ़ जाएंगे, और दूर दे देगा तो बल क्या होंगे लगने वाले घट जाएंगे, बॉडी वही है, तो दूरी बढ़ने पर देखो ना तू सीधा यहाँ आ रहे हैं, मास को भी कॉन्स्टेंट कर दे, पहले कर दे मास कॉन्स्टेंट है, तब मास वेरिएबल हो जाएगा, तब देखेंगे क्वेश्चन पर क्या होती है, उसके अनुसार बात करेंगे, तो हम लोग पहला क्वेश्चन यहीं से बन गया, दो बजे का मास क्या हो कांस्टेंट, अब पास आएगा तो बल क्या होगा बढ़ेगा, यदि दूर भागेगा तो बल घटेगा, बात समझ में आ रहा ना, यही फार्मूला का महत्व यही है, यानी कि मास के समानुपाती होती है और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, उल्टा होगा संबंध, ये वाला बात होती है। चलो तो जहाँ पर हम लोग सब बात देख लेते हैं, जहाँ पर अपना एम क्या है, यहाँ पर द्रव्यमान है, मास हो गया, एम मास है, एम क्या है मास है, एफ लगने वाला क्या है, दोनों के बीच में बल है, फोर्स होंगे, अच्छा ठीक है क्वेश्चन बाद में करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, आर है दोनों के बीच का क्या है मध्य की दूरी, बीच की दूरी होंगे, आर जो होंगे ना दोनों के बीच का क्या होगा, कैसे मोबाइल चलाता है अलाय बलाय, मतलब एगो बीमारी एगो रखबे करता है, बिना से रोटेट कर यूज़ कर लेते हो मोबाइल को, और हमारा तो एक सेकंड नहीं बना गया मैंने रोटेट का,
आखिर में सिस्टम कहा किया हमने बोले थे सिस्टम कर लेने के लिए है ना, यही अभी जो बोला है ना लैंग्वेज में, इसमें जो लिखे हुए नहीं पूरा लैंग्वेज लिखे हैं, हम उतना लैंग्वेज नहीं लिखते हैं, मैथमेटिकल हम बात करते हैं, वास्तव में हम मैथमेटिकल और क्या एग्जाम आते हैं उसको बात करते हैं, लिखना जिसको होगा लिखना, जिसे मैंने अभी कहा है गुरुत्वाकर्षण एक कौन बल है, कमजोर अथवा छीन मौलिक बल है, और जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या पिंड के बीच उनके द्रव्यमान कारण लग किसके कारण लगेगा, द्रव्यमान होगा तो नहीं होगा तो नहीं लगेगा क्योंकि उसके समान पाती है, ये लिखने वाला बात नहीं है, उसके बाद सुना भी जो कहा है इसी को लिखा लगे जिसे बात नहीं लिखते हैं। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल क्या होती है, समानुपाती, उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या जाता है, व्युत्क्रमानुपाती, उसी को उसने दिखाया है सब चीज करके, उतना नहीं है फुर्सत हमको दिखाने का, हम लोग जो पूछता है वही वाला बात की है सिर्फ, जो पूछने वाला गप है जो एग्जाम आती है और जो पढ़ना चाहिए हम लोग को, ये सब वैसी बात है, भाषा तसा वाला गप फलतू वाला बात है। अच्छा अब देखो आप पढ़ लेते हैं कैपिटल जी के बारे में, कुटुम है अपना, पढ़ लेते हैं कुटुम के बारे में, देखो कुटुम का नाम क्या है, पहले गेस्ट है वो, स्पेशल गेस्ट है ये, कुटुम का नाम है सार्वत्रिक, ये कुटुम को पर्व, ये सबसे अधिक अभी इम्पोर्टेंट कुटुमे होंगे, और ये राजा हरिश्चंद है, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, चंद्रमा पर जाओ तो यो नहीं होगा चेंज, कहेगा गाछ बैठेंगे तो यो नहीं, छत पर ओतो नहीं, मंगल ग्रह पर ओतो नहीं, कहीं यूनि पूरे ब्रह्मांड में कत्तन जी का मान चेंज होता, सोचो न्यूटन बाबा कितना बड़ा काम कर दिए थे, हाँ सूत्र उठे बता दिया ऐसे, जैसे तो सूत्र करते हो रूल पूछते कोनो क्वेश्चन फेंक देता है, वैसे सदी का महानायक उसे कहा जाता है, मतलब बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं वो सब न्यूटन, समझ रहे हो ना, अब कैसे कैसे किया इसका क्या उपाय है, ऑनर्स कर लो, नहीं तो सीधा जाना चाहते हो तो चलो मिल के आते हैं एक बार वहाँ से, बुकिंग करवाना पड़ेगा हम लोग का, तब इसीलिए न्यूटन कहते हैं फिजिक्स का जनक, वैसे जनक किसी को कहा जाता है, जनक का महत्व होते हैं ना सबसे अधिक महत्व, इसीलिए ना जनक कहा जाता है, मान बात को हम लोग को उससे कोने मतलब नहीं है, कहाँ से आया कैसे या, होता है यही मतलब है, अब क्वेश्चन का एग्जाम आएगा, बात समझ में आ गया ना, हाँ ट्वेल्थ में अलेवंथ में शायद है डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ देखना कैसे आता है जी का मान, सार्वत्रिक सार्वत्रिक गुरुत्वा, अरे तुम लोग का उम्र है कैसे, तू नवा दसवा अभी खेलने धूपने का समय है, ये सब इंटर कमीशन इंटर पास वाला के लिए, आओ इंटर पास तब कराते हैं, जनरल ऑनर्स करके तब आता है, तब पढ़ने में ठीक लगता है, पढ़ाने में भी उन लोग का पास टेक्निकल टर्म ज्ञान रहता है पहले से, उन लोग ने पूछेगा क्या हुआ, क्वेश्चन बता दीजिए डाटा क्या बात खत्म है, उन लोग का पता है कैसे क्या जाता है, तुम लोग नम सीखो ड्राइवर होने इसीलिए नहीं है पता क्यों हुआ, क्वेश्चन तो एक सवाल नहीं कहता क्यों हुआ, होता है क्या होता है वो कह दीजिए, वो सब वाला बात नहीं, क्या होता है क्वेश्चन एग्जाम आएगा बता दीजिए, पूछेंगे जानकारी दे दी, उम्र अभी कम है ना इसीलिए जी का कि पहले पूछेगा ये भावगढ़ जी है, ध्यान देना छठगढ़ जी अलग बात, ये कौन जी है, भावगढ़ जी कहेगा जब फार्मूला में ई हटता है चिन्ह तो कौन जी आता है, छटका जी की बड़का जी, कहना बड़का जी, कहेगा उसका नाम क्या है, कहना सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, स्पष्ट कर करके कहेगा कि न्यूटन के जब फार्मूला ड्राइव होते हैं तो डायरेक्टली प्रथम जब साइन हटता है तो कौन जी आता है, गुरुत्वीय त्वरण की गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो कहना नियतांक, अरे कॉन्स्टेंट आएंगे ना फंसा रहता है यहाँ भी, तो कहना नियतांक आता है, इसलिए ऐसे कर थोड़ा सा लिखे गुरु यही क्वेश्चन के लिए बात बुझा। अच्छा इंग्लिश में क्या कहते हो इसको, इंग्लिश में देखो यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है इसको, समझ में आ गया ना, मतलब कि यूनिवर्स है पूरे ब्रह्मांड में इसका मान क्या होंगे, सेम होंगे। अब क्वेश्चन देखो कहेगा बॉडी का एक मास कहेगा 10 kg, सर का कहेगा 20 kg है, अभी अर्थ के सरफेस पे है, कहेगा वही बॉडी चला जाएगा चंद्रमा पर, आ उसके बीच का दूरी 10 था, बीच में दूरी 15 हो गया, मास भी वेट भी चेंज होंगे, बताइए कैपिटल जी मान कितना, मतलब ऐसे घुमा के तब किसका मान पूछेगा, कैपिटल जी का, तो बोला इतना मात्र डाटा क्वेश्चन होगा लेकिन आंसर सीधा होगा ठीक लगा देंगे, तो ऐसे कंसेप्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कमीशन में, समझ में आ गया ना, जो जिसको देखो जनरली एग्जाम में क्वेश्चन वो पूछा जाते हैं उतना क्वेश्चन जितना सॉल्व हो सके और पास कर सके, जिसमें तुरंत बन जाए लॉजिकल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जैसे मैंने बताया अभी, ऐसे क्वेश्चन दे दी हार्ड वगैरह ऐसे पूछेगा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, लेकिन हार्ड नहीं, तुम उसे सॉल्व नहीं करना चाहता है, तुम्हारा दिमाग का टेस्ट करना चाहता है, तो तुमको जी का मान याद है कि नहीं है, तू पूछता है कि नहीं जी होता क्या है, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट मतलब है मास तांस को कुछ मतलब नहीं, सब जगह वही होगा,
सबके लिए, चंद्रमा के लिए, हमरो लिए, तोरो लिए, सबके लिए कोई दिक्कत नहीं वहाँ पर। इसी लगी इसको क्या कहा गया है यूनिवर्सल, की पूरा यूनिवर्स में क्या मान होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कॉन्स्ट सेम मतलब कॉन्स्टेंट क्या होती है, मानव मन में होता होगा, मानो बड़ा बढ़िया कितना अच्छा लगेगा। 6.67 गुना पवन एक सांस में याद है, राहुल को नया रूल निकालते हैं कि भाग संख्या का दूसरे भाग देंगे कई दिन का ताकि दूसरे नहीं लगेगा भाग, एक किताब किन लो उसमें लोग दिखते रहना नहीं होगा खोज हो जाएगा तो ठीक है। 10^-11 याद, इन्हें पूछना कैसे हुआ, याद कर लो, क्या कर लो, याद कर लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका मात्रक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट जी का मात्रक है। 6.67×10^10 यहाँ देखना ऑप्शन में प्लसो रहेगा, तो फरिया 11 नहीं देखना, देखना माइनस है कि प्लस, माइनस रहेगा तो ही इन्हें कहना सर मिस्टेक समझ लिखा दिया, अरे माइनस ही होता है। 6.67×10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और बटे में केजी स्क्वायर है, वो गुना में कदर कीजिए इसको ऑप्शन में, तो बहाना नहीं फूसना निकलिए तो कहेगा है ना कोई दिक्कत नहीं, मार देते हैं को 11 है तो सही है। रेलवे सब में केवल ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है ना 1.673, वो दशमलव की तीन दस, जैसे 1.1 एक ऑप्शन में था 672, एगो था 1.673, आओ सही आप बोलो, इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन पूछा था कहा आओ सही करो, ऐसे नहीं देना चाहिए क्वेश्चन, बस अगर दिया जाता क्वेश्चन इसीलिए पॉइंट के बाद कम से कम 3 डिजिट तक रट लो वैल्यू रेलवे सब एग्जाम के लिए, पॉलिटेक्निक में दिक्कत नहीं है, ऐसे कर देगा। अब कोई सोचता है कि 6-7 अरे सब किताब 6-7 बहुत में लिखा है, 2-3 लिख लेना है कहीं पर जल्दी, अब तू वही वहाँ दे दिया, अब विद्यार्थी तो माथा पटकेगा हला 2 था उसमें कि 3 था अब मास्टर पढ़ाते हैं दोनों द्रव्य मान एक ही होता है, प्रोटोन और किसका, न्यूट्रॉन, एक ही द्रव्य मान, तू उसमें देख लो तो ठीक है सर कोई बात नहीं है, यहाँ लेकिन तू पॉइंट में डिजिट दे देगा तो फंस जाओगे, इसीलिए उस सब में पॉइंटों रखना पड़ता है, दशमलव कम 3 पॉइंट बाद याद होना चाहिए, आजकल जमाना चला गया 1.67 सब कर था। चलो तो तुम लोग 1.667×10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, ये बात अच्छा देखो इतना कह देगा तब कहेगा अच्छा कह दिया मोसरा वाला कहेगा बताओ ई वैल्यू बताया किसने था, हेनरी केविंडिस ने, लाओ दिए थे वही वैल्यू किसने निकाले थे, जी का जो वैल्यू है ये हेनरी केवेंडिस वैज्ञानिक का नाम है, इसी ने इसका वैल्यू दिया, हेनरी केवेंडिस ने कैपिटल जी का मान, कोई दिक्कत, नियम दिया को न्यूटन बाबा अमान को निकाले केवेंडिस, ठीक है ना, चलो ठीक है समझ में आ गया सबको, यहाँ हम लोग पढ़ लिए। अब दूसरा बात यहाँ से हम लोग करने वाले हैं, ये बता दिया है ना, जी का मान सर्वप्रथम केवेंडिस ने ज्ञात किया था, लिखा है ना हेनरी केवेंडिस ने सर्वप्रथम मान ज्ञात किया, समझ में आ गया ना, लिखा है किया था। अब देखो जैसे अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अब देखो सुनना, अंकित से पूछेंगे, अंकित कहेगा ये अर्थ है ये क्या, क्योंकि जानकार अभी संस्कृत में अंकित है अर्थ है, और अपना चंदा मामा आम के है, चलो हाँ। कुछो करेगा क्या बोले सर, क्लास में छी ऐसे कुछो के चंदा मामा है, चंद्रमा है, चंद्रमा चंदा मामा मामा जी है अपना है ना, मदर और मामा जी, ई इस पर अर्थ लगा, अर्थ की करता, अर्थ को खींचता है मून बी बल से, और ई खींचेगा इसको ए बल से, तो तू कहेगा दोनों में कौन बड़ा होगा, सिर्फ यही ठोके है तेज बहुत है ये, कौन सी सर, अर्थ और मून, ये तीर जिधर लगल है ना, यानी कि अर्थ को कौन खींच रहा है, मून खींच रहा है बिग बल, और मून को कौन खींच रहा है, जल्दी सर बोल रहे हैं बराबर होंगे सर, कैसे होगा बराबर, क्योंकि चूंकि यही बता दीजिए जितना बल से ये खींचेंगे उतना ही बल से इतना, इसलिए नहीं तो आ जाते ऑप्शन में कहेगा ए बड़ा होगा बी बड़ा होगा, कहा नहीं जा सकता है, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज टिक कर देना, फिर को बनाएगा तुमको, और वो पूछता है ना इसे क्वेश्चन, अरे दोनों बराबर कह दिया जितना बोले थर्ड ने बोला जो जितना लगाएगा उतना वो लगाएगा, जितना ई लगाएगा उतने ये लगाएगा, तो लगने वाला बल की होगा बोलो, दोनों बराबर ही होगा, यानी कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच में उनके द्रव्यमानों की वजह से लगने वाला बल हमेशा क्या होते हैं, बल हमेशा क्या होंगे,
भने घटे की बढ़े, दूरी बढ़ने घटने पर, लेकिन बल क्या होगा, बराबर होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, बल बराबर होंगे। अभी ये वस्तु यहाँ पर है और वस्तु यहाँ पर है, यदि ये लगा रहा है सो, यह क्या लगाएगा, सो, नजदीक आ गया तो मान लो बल 200 बढ़ गया, दूर जाएगा तो 50 हो गया, लेकिन हमेशा लगने वाले बल क्या होंगे, बराबर। इसका मतलब ये हुआ, इस वर्ड का मतलब लगने वाला बल हमेशा बराबर, मतलब नहीं बुझना कि दूरी अधिक रहेगा घटा देंगे, दूरी घटाएंगे बढ़ाएंगे तो बल घटेगा नहीं बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, लेकिन बल बराबर मात्रा में ही लगेंगे, जितना ई उतने यू हो। अब बुझा, ये बात होती है, समझ में आ गया ना। इसका मतलब जितना बल सूर्य लिखा है ना, जितना बल सूर्य पृथ्वी पर लगाता है, सूर्य किस पर लगाएगा, पृथ्वी, आओ पृथ्वी, पृथ्वी कहेगा आओ सूर्य, ऐसे करके हम दस कहेगा हमू दस, बात बुझा। जब अब कोई दिक्कत तो सोचेगा कि अब कहेगा जैसे, अब क्वेश्चन कैसे एग्जाम बनाएगा, सूर्य लगाती है कि पृथ्वी बल अपनी तरफ खींचती है, आप पृथ्वी को खींचती है सूर्य की तरफ, तो बताइए किसका बल अधिक होगा, बराबर किसका बल होगा। हम पर आ गया था, अब निकलने ही वाला था, समाज के लोग कह दिया हर यार लगाओ खाओ, समझ आ गया ना, ये बात लिख देते हैं, जरूरी बात है ये, ना। अच्छा, यानी कि लगने वाला बल जो है मास पर करेगा डिपेंड, नहीं मास पे नहीं कर सकते हैं डिपेंड, मतलब क्वांटिटी बराबर होंगे। देखो ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ से, आप देखो जैसे कि देखो सूर्य चंद्र, देखो यहाँ देखो, इस केस को पढ़ो, इस केस को पढ़ो, ये एम वन मास का बॉडी है, अब बीच का दूरी कितना है, यहाँ से आर है बीच का दूरी, और एक बॉडी है ये मान लो जिसका मास कितना है m2 है। अब देखो बल निकालने का फार्मूला क्या है, यदि तू निकालना चाहते हो, अब इस पर लगा रहे हैं ये f2 बल से इसको खींच रहा है, और ये किस बल से खींच रहा है, f1 से। अच्छा इधर तीर इसको कौन खींचता होगा, ई, और इसको किसको कौन खींचता होगा, वन वाला इधर है, ई वन कहेगा यहाँ वन का लिखेंगे, अरे उल्टा जिधर तीर उधर खिंचाता है, इधर तीर है ना मतलब ऐसे खिंचा रहा है, ऐसे तीर होगा मतलब ऐसे खींचा रहा है, बात बुझना, इधर इसमें तीर दिया है ना, ये खींच रहा है इसको ऐसे, आओ एम टू आओ, इधर तीर एफ टू का दिखेगा मोन आओ, बात समझ में आ रहा ना, ये बात होंगी। अच्छा यहाँ देखो, अच्छा बोलो एम वन यानी कि एफ वन, एफ जिसका बल निकालना होता है ना, भवगर जी रख दो, भवगर जी जिसके लिए निकालना होगा बल, भवगर जी उसका क्या करो मास, और दूसरे खींचेगा उसका मास, और दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर। अच्छा ये बोलो ठीक है, अब इसके लिए लगाओगे बल F2 बराबर, तो जी इसका मास और दूसरे का मास जिस पर खींच रहा है उसको, अब बटा क्या होगा, अब बोलो ये जी आर सेम रहेंगे, 10 गुना 5 और 5 गुना 10 बराबर होता है ना, मतलब कि लगने वाला बल दोनों पर क्या होंगे, बराबर होंगे, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होंगे, अब समझ में आ गया ना, डेरिवेशन टाइप से भी कर दिया मैंने, गुरुत्वाकर्षण लगने वाला बल क्या होंगे, इसमें प्रूफ हो चुका है यहाँ पर, आगे पर क्वेश्चन 10 पॉइंट लेके ले लेते हैं हम लोग, समझ में आ गया ना, हटाओ नंबर लिखते हैं, समझ में आ गया ना सर, ये वाला कहाँ पता है सर, कौन वाला, सवाल सब नहीं बना, इसलिए बात है दिमाग का पूरे नहीं यूज होता है उसमें, किसमें, थ्योरम में, ज्योमेट्री में, थ्योरम ने पढ़ाया, थ्योरम पूरे पढ़ा है सर, कुछ ही नहीं, क्या था पढ़ने के लिए, क्या पढ़ के आया बोलो, अटेंडेंट बोलो कोने थ्योरम का है, एक और थ्योरम में पढ़ा है, नाम बोलो ना उसी, क्या थ्योरम था, जाने पूछेंगे तू क्या पढ़ा है, पढ़ मैं एक 7.1 ये तो बुरवा को लगभग 7.1 बोला, स्टेटमेंट बोलो ना थ्योरम, स्टेटमेंट नहीं नाम याद रहेगा, आप जारी सके एक मौको दो मौको, स्टेटमेंट याद रहता है लोग को, समझ में आ गया ना, देखो तुम अगर जवाब नहीं देता भूसको ले, नहीं देगा टका नहीं देना, गम की कहता एक सीखेगा ना मास्टर तब टका देबो, नहीं तो नहीं देगा, नहीं कहता गम में सिखा नहीं है ना पैसवा की देंगे, परेशान सीखबे नहीं करता है, इसलिए बेहतर आगे पढ़ना चाहिए, कम से कम समोसे खिलाता तब ना सीखेगा, देखो राहुल पर बात चल रहा था क्या सर, ये 10 kg एक शुभम आता है, अब तुम्हारा नाम तो पूरा गम फैलेगा, फोटो खींच के लगा लेना।
देखो एगो दस, सुनना, एगो दस के जी की बॉडी है और एगो एक सौ के जी की बॉडी है। एगो किस के जी की बॉडी है? दस। एगो कितना के जी की बॉडी है? टेम नहीं हुआ, कर देना टेम होगा तो। नहीं, वो जानकारी ले ले दिए। अब दोनों बीच की दूरी कितना मीटर है? एक मीटर। अब क्वेश्चन एक दिन में पूछा था कि बताइए कि 10 केजी वाला बॉडी 100 केजी वाला बॉडी अपने तरफ कितना फोर्स से खींचेंगे और 100 केजी वाला बॉडी 10 केजी अपने तरफ कितना फोर्स से खींचेंगे और दोनों का वैल्यू क्या होगा, ऐसे पूछा क्वेश्चन। बराबर समझ में क्वेश्चन क्या पूछा? ठीक है, तो 10 केजी के लिए निकालोगे, बल निकालोगे तो एफ बराबर जी आ गुना एकर मास आ गुना दोसर के मास आ दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर। अच्छा तू को 100 केजी वाला निकालेगा तो एफ बराबर भावगर जी आ गुना 100 वाला के मास आ गुना 10 बटा 1 के स्क्वायर। कोनो अंतर है दोनों में? तो लगने वाला एफ वन बराबर क्या होंगे? यानी कि दोनों पर लगने वाला बल बराबर होंगे। अलग अलग मत सॉल्व करना, एगो सॉल्व कर लो, जी का मान धर दो जो आंसर आएगा वही सीधा सीधी। अब ध्यान देने की बात है, एम के एस रखना बहुत चालू हो, ग्रामों का भी कह देगा, मीटर कह देगा, मीटर ने सेंटीमीटर कह देगा, अब चलो किलोमीटर में कह देगा, उसको बदलना पड़ेगा। खतरा यहीं पर है सबसे बेसी, मास तो कीजिए कहो ज्यादा, खतरा इसमें है। ये तुमको अलग रहा मात्रा कहेगा, तू रखना सब एम के एस में, नहीं तो गलती हो जाएगा। कितना क्लियर हुआ ना? अब बल जो आएगा ना न्यूटन में आएगा, वो सब कट फट जाएगा, मीटरों कट जाएगा, के जी कट जाएगा। मीटर के जी में देगा तब ना कटेगा, नहीं देगा तो कैसे कटेगा, क्योंकि जी का मान तो मीटर मीटर के जी जल्दी नहीं मिलता है, लेकिन मीटर वो दे देगा बिचला दे देता है मीटर पर। समझ में आ गया ना? खतरा होगा यहाँ पर और हमने खतरा साधन करने का प्रयास किया। चलो न्यूटन के स्टेटमेंट लिख लेते हैं, अभी तक क्या पढ़े हम लोग जिसको तुमको ध्यान रखना है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं में उनके द्रव्यमान की वजह से लगने वाला बल हमेशा बराबर होते हैं। हमेशा क्या होंगे? बराबर होते हैं। यही बात हम लोगों ने अभी सीखा, दो गुना निकल के। और जिन्हें गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, लगने वाला बल है उसे ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जिन्हें गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। बस हो गया, कहते हैं या कह देते हैं जबरदस्ती। जैसे एग्जाम्पल, एगो एग्जाम्पल, जितना बल सूर्य पृथ्वी पर लगाता है, सूर्य लगाएगा पृथ्वी पर, जितना बल सूर्य पृथ्वी पर लगाता है पृथ्वी भी है ना, जितना बल सूर्य पृथ्वी पर लगाता है। दो एग्जाम्पल, एक सूर्य पृथ्वी वाला और सूर्य चंद्र वाला एग्जाम्पल बराबर आता है एग्जाम में, ये दो एग्जाम्पल ध्यान रखना। पृथ्वी भी उतना ही बल सूर्य पर लगाता है, सूर्य पर लगाता है। समझ में आ गया सबको? अब चलो दूसरा बात, गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल कमजोर बल वीक फोर्स है, दुर्बल व आकर्षित बल है। ये विकर्षित नहीं है, कैसा बल है कहेगा? गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षित, विकर्षित और विकृत दे गए थे, टिक लगाना आकर्षित, आकर्षित बल होती है। यही बेसिक क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में आते हैं, तो सोचेगा भारी भारी नहीं, 20 क्वेश्चन मैंने कहा ना आसान क्वेश्चन पूछेंगे, 10 ही टफ होते हैं। और 10-20 भी कर लेते हो ना, काल का घर हो गया क्वेश्चन, 20 बहुत है, एक्सेस 20 क्वेश्चन है, तू पटना 13 ले सकते हो, 7 ले सकते हो 20 क्वेश्चन में, 20 को कम लगता है, 20 क्या बोलते हो, मामूली क्वेश्चन 20-20 सब रिफर्म कर देना है तो सेट माहौल ले देता है सब। तो सेट माहौल ले देता है। हाँ, तो तू पॉलिटेक्निक का फिर लेवल क्या, एसएससी की लेवल है, एनटीपीसी की लेवल है, तब इन्हें देखते हो, 10वां पास करके पॉलिटेक्निक है, इन्हें देखता है, उतना लेवल बना देता है, तू बना लेते हो क्वेश्चन, इन्हें देखता है तू, 10वां पास करके कितना लेवल है, 10वां पास करके विद्यार्थी कौन से कनेक्ट मिलता है, 1 महीना 2 महीना मिलता है, लेकिन दोनों कैसे तैयारी करेगा लोग, है यहाँ से तुमको इंटर पूरा लगभग सिलेबस कवर कर दिए हैं, पढ़ा करके तालीम ठोका दिए हैं, आपने मिल गए तब ना कह रहा है, समझ रहे हो ना? तो गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल व आकर्षित बल होता है। दूसरा कहेगा गुरुत्वाकर्षण, तू कहेगा गुरुत्वाकर्षण, अभी शुरू में बोले थे लिखे नहीं थे, गुरुत्वाकर्षण बल अप्लीकेबल है छोटी दूरों के लिए,
बहुत दूरी क्या अप्लीकेबल क्या है वो, मतलब हिंदी क्या होता है उपयोग, गुरुत्वाकर्षण बल लागू हो सकता, हाँ। लागू होगा छोटी दूरी के लिए, बड़ी दूरी के लिए, छोटी दूरी के लिए, बड़ी दूरी के लिए, ए और बी दोनों, नन ऑफ दी टिक लगाओ, तू लगाएगा सिर्फ ए और बी दोनों, तू लगाओ कैसे भी दोनों होगा, दोनों जो जो नज़दीक होगा उसके, जो दूर होगा उसके, है ना, लगा दोगे ना, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम आती है, पृथ्वी सूर्य बहुत दूर है और तैयो लगता है, छोटो रहेगा नज़दीको रहेगा तैयो, दूर रहेगा तैयो, नहीं कहाँ रहो ना फोन लगा गप कर लो, इतना गुरुत्वाकर्षण छोड़ बगलों में लगता है बात, बगल रोड पर है, कहाँ हो जी आओ ना रोड पर है, अच्छा छत पर रहेगा तो फ़ोन करके बुलाओगे, अब दिल्ली में रहेगा तो फ़ोन करके करोगे, तो बुझ जाना कि सब जगह लगता है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो चिरंग दिमाग काफ़ी ठोस है, कैच कर रहा है सब बाल को, हल्ला नहीं कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल सभी दूरियों के लिए वैध है, सभी दूरियों के लिए वैध है, मतलब छोटको दूरी और बड़को दूरी, यानी कि छोटी दूरी हो या बड़ी दूरी हो, दोनों के लिए, दोनों के लिए, समझ में आ गया ना, दोनों के लिए गुरुत्वाकर्षण बल वैध है, समझ में आ गया ना। अब तीसरा क्वेश्चन तू कहेगा, बोले थे तभी चलते चलते गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के कौन नियम का पालन करता है, कुछ बोले थे तभी, तू तो चालू है जी, सब आजकल पारंगत हो गया है, आजकल सब पीएचडी करके बैठा है, एक बात को सुनते बढ़िया क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन फेंक देंगे संभाल कर रखा करो, है पूछता है ना कौन लॉ कहेगा न्यूटन को लॉ गुरुत्वाकर्षण है, फिर कौन लॉ पालन करेगा, तो खुद न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण लॉ है, न्यूटन का वो वाला लॉ उठ के दिया था, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन के तीसरे नियम का अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। अब देखो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अब समझ में आ गया ना, और तू बोलेगा ई बॉडी का मास m1 है, कितना मास है, अच्छा इसके बीच का दूरी r है, कितना है r, और दूसर का मास कितना है, मास वही है, अब इसका दूरी आधा कर दिए हैं, मास क्या है, दूरी के किए हैं आधा किए हैं, तू कहेगा बल घटेगा कि बढ़ेगा, आधा के घटता है, हाँ पहले घटे बढ़े तो फिर कितना होगा, वो एगो का मास कितना है m1 और दूसर का मास m2 और दोनों बीच का दूरी आर, अब बल दोनों की दूरी आधा कर देंगे तो बल क्या होगा, बढ़ेगा कितना गुना बढ़ेगा, अपना की बात तो कितना गुना बढ़ेगा बोलो, तो अब क्या कर दिए हैं m1 और दूरी कर दिए हैं r/2 और मास है m2 ही, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पहला तो तुमसे पूछ लगा ई कह देगा तो कहेगा ऊ कहो, जब पहला कंडीशन है दूरी घटेंगे तो लगने वाले बल बढ़ेंगे क्योंकि इनवर्स संबंध दोनों में, अब पूछेंगे पहले कितना लगते थे अब कितना गुना लग रहा है, बस कल कंठक अपना और क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो f बराबर क्या पढ़ा है जी m1 m2 बटे क्या पढ़ा r स्क्वायर, तो पता है कि ई सब पूरा कांस्टेंट है बॉडी का, यानी कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बटा क्या हो रहे हैं r स्क्वायर, और r के जगह पर तूने क्या कर दिया है r बटे 2 कर दिया है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलो 4 बटा क्या हो जाएगा आर, यानी कि 1/r² यानी कि 4 गुना, कितना निकला यहाँ 4 गुना हो जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से f2 बराबर क्या निकल जाएंगे 4f1, यानी कि पहले कितना लगता था वाले इसके बीच में f1, अब कितना लगेंगे 4 गुना लग जाएंगे उससे, समझ जाएगा ना, कौन 4 2×4 नहीं होगा, ऊपर नहीं जाएगा ये 2×4 तो 1/r² यही हो गया ना, 4 हो गया, तो इसी प्रकार से समझ में आएगा ना क्वेश्चन, और डायरेक्ट करना होगा तो मान लो बटे में होते हैं r² r/2 करोगे r² 2×4 ऊपर जाएगा तो पूरा ऑल ओवर, यानी कि आंसर कितने हो गया 4 गुना, समझ में आ गया ना,
अब दूरी को करते हम लोग, एक बार दूरी को ये किया ना और दूरी को बढ़ा देते हैं, उसके घटाकर क्या करेंगे बढ़ा देते हैं। चलो मास m1, दूसर मास m2, अब बीच की दूरी पहले r था, अब कितना कर दिया तू तू कहेगा दूरी घटेगा अथी मतलब बल बढ़ेगा कि घटेगा? बल घटेगा। बल घटेगा कितना होगा घट करके पहले की अपेक्षा? अब नया बल f2 कितना होंगे पहले की अपेक्षा? डायरेक्ट बोलो क्योंकि डायरेक्ट मुंह से सॉल्व होना चाहिए। चार गुना होगा, ये कोने बटा में देना डायरेक्ट को, दुना चार एक बटा फोर्थ हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा? एक बार सॉल्व मत, डायरेक्ट करो सॉल्व, डायरेक्ट करो सॉल्व। अरे फार्मूला में आर स्क्वायर है ना, दो दुना चार करेगा तो एक बटा चार नहीं होगा पूरा टर्म, ये तो यानी कि वन फोर्थ हो जाएगा ना, यानी कि एफ टू जो होगा कौन चीज पहलू का वाला वन बटा क्या होंगे फोर्थ हो जाएंगे, मतलब ये तो बल घट ही रहा है ना, बल का मतलब 100 है तो 100 बटा 4 यानी कि कितने हो जाएगा 25 हो जाएगा, घट गया वो, समझ में आ गया ना। और यह कहता कहेगा अब अनुपात कह दो, क्या कह दो? अब नया बल दूरी पहले r था, अब कितना हो चुका है 2r, ध्यान देना कौन कौन अनुपात तो कह दोगे लेकिन क्रम रखना ध्यान, क्रम अनुसार वैसा लगा देता है कौन कौन अनुपात कहता है। क्वेश्चन सुनो, एक बॉडी का मास m1 और दूसर का मास अब एक दूरी r, अब फिर दूरी दूरी क्या किए हैं बढ़ा दिए हैं, तो बताइए कि तब दूरी बढ़ा दिए हैं तब लगने वाला बल्ब और पहले लगने वाला कितना बल था उसका अनुपात कितने होगा? तो पहले इसके बारे में कहा, फिर इसके बारे में कहा, इसके बारे में यानी कि f2 नया बल और बटे ओरिजिनल पुराना वाला f2 यहां से निकालोगे तो बटे में आएगा एक बटा क्या हो जाएंगे चार, यानी कि f2 इज टू f1 कितना हो जाएगा एक अनुपात चार हो जाएंगे उस कंडीशन में। और यदि f1 इज टू f2 कहेगा तब तो उल्टा दो इसी को पलट में दो तो चार अनुपात तब क्या हो जाएंगे एक। तो देखना क्वेश्चन में पहले लैंग्वेज में पहले वाला बल कहा है कि नया वाला का, जनरली नए वाला पहले मतलब उसके बटा पुराने ओरिजिनल वाला ऐसे पूछती है क्वेश्चन एग्जाम में, बन जाएगा ना कर दोगे सॉल्व। ठीक है नेक्स्ट पेज ला जाओ, इसका लैंग्वेज अभी क्या था भाई जो किया है मैंने, दो वस्तुओं के बीच की दूरी कितना है आर है, दोनों के द्रव्यमान क्रमशः से m1 और क्या है m2 है, यदि इनके द्रव्यमान यही रहे और इनके बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो पहले से कितना गुना रह जाएगा, तो बल पहले से कितना गुना क्या बोला है रह जाएगा, इन्हें कहा बढ़ जाएगा, क्या कहा है रह, कले वाला फेरा है यहाँ भी मतलब संभावना है लेकिन ऐसे नहीं रहते हैं वो, तो थोड़ा आप एक्सट्रीम बात हम लोग कर लिए कि खुदा न खास्ता कभी क्वेश्चन ऐसे दे देते तो लोग उस कंडीशन में खड़ा उतरोगे पैमाने पर, कितना गुना रह जाएगा ही यूज करेगा वो भी सब जगह, वो कितना गुना हो गया और बढ़ गया, हो गया ही पूछेगा, बढ़ गया यदि नहीं आता है समझ जाएगा ना, उसका क्वेश्चन यदि नहीं मिलते हैं तो एग्जामिनर कहाँ उठाते हैं, कौन एग्जाम क्वेश्चन पूछा उसे उठा छाप देता है ले लो वही क्वेश्चन, समझ जाएंगे जनरली ये सब छोटका मोटा एग्जाम में बता दोगे नहीं अब लैंग्वेज लिखना पड़ेगा क्या, छोड़ दें लैंग्वेज मन सोचता है कि सब काम करवा लें सर, थीम सर जी फिर लिखते हाँ तो तुमने पास ही नहीं है प्लीज आप जाकर लिखो वहाँ से, हमारा मोबाइल सोचते हैं सर नहीं सोचता तो बढ़िया मोबाइल सोचता है इन्हें सोचता है सुधर नहीं सुधर देखा दो चल इसमें इतना बोलो बस फिगर से सब में तक क्या चलते हैं ठीक है मतलब लिखा रहता है तो बढ़िया रहेगा सब दिन के लिखिए ना सर मोन छे बहुत के लिखिए सर जियो पे रख लिखिए सब क्वेश्चन भाषो वाला एगो लिखिएगा सब में लिख देंगे काहे कि वहाँ लिख देते हैं ठीक रहता है। चलो कितने लगे लिखने वाले पीडीएफ छो ना नमार कर फटेल नहीं बन झल कई दो वस्तुओं दो मैं हाल से ज्यादा सीरियस रह छी थीम पर दो वस्तुओं मतलब क्वेश्चन लिखल रहता है तो ज्यादा अच्छा रहता है, बीच की दूरी आर है दोनों के द्रव्यमान क्रमशः m1 व एम टू है खुले वाला है क्वेश्चन बना दिए कारा लिख देने के लिए आंसर का लिख दे आंसर लिखेंगे तब खाली आंसर लिखेंगे यदि इनके द्रव्यमान क्वेश्चन लिख दीजिए ना यदि इनके द्रव्यमान यही रहे हाँ हाँ तो तब की क्वेश्चन लिख दे तुम लोग कल्याण करें इनके
एक लिख देंगे तो समझ जाना सब। इनके बीच की दूरी को दोगुना और आधी आता है। आधी गुना लोग फंसता है ना, बुझेगा दो गुना चार चार गुना तुरंत कह देगा, उन्हें बुझता है कि बटे में है तो क्या होगा। समझ रहे हो ना, इसी में दोनों क्वेश्चन बना दीजिए। अभी उनके बीच की दूरी को कर्मश लगा के लिख ना, छोड़ो ना, दूरी को आधा करके दोगुना करके इतने दो ब्रह्मण दोनों से में है, दो गुना कर दिया जाए, कर दिया जाए तो बल पहले से छुट्टी चाहिए क्या पवन देव? नहीं नहीं जाओ ना, सुबह भी नहीं आया था, एगो छुट्टी देगा क्या बगल बिगड़ जाएगा कि तो सुबह आराम बारिश पड़ रहा था ना, देव फरमा रहा होगा तो नंबर यूनिट निकालने का मेरे लिए फार्मूला क्या है, नंबर कौन सी डब्लू बराबर बिजली नंबर यूनिट का डब्लू होता है यूनिट बराबर बराबर। सुनो तू घर में तुम्हारा क्या गो बल्ब है, पूछते हैं क्वेश्चन क्या गो बल्ब है, एगो बल्ब है 100 वाट का मान लेते हैं, तू रोज लाता है कितना घंटा? 3 घंटा। तुम्हारे घर में 5 गो बल्ब 100 वाट का, क्या गो बल्ब है? 5 गो, अब 5 घंटा रोज जलाता है, 1 महीने तक जलाया है, कितने यूनिट उठेगा बिजली बिल? नहीं पता है। थैंक यू, चलो सॉल्यूशन ठीक है ना। बोले सर जी अम्ल वर्षा हो रहा है कहाँ, कुछ शरीर में छेद हुआ है कि नहीं? चलो तो एफ टू बराबर कते हो जाएगा, F1/ चलो 4 हो जाएगा, सबको समझ में आ गया? हाँ, ये देखो लिखा है ना, हो गया अब बढ़ गया, बहुत चालू है बंदा, फरियाद दिया है पूरा, इसको लिखेंगे क्वेश्चन लिख देते हैं इसको, ये बहुत गजब है। एगो न्यूमेरिकल भी कराया, अब भवगढ़ जी छोटकर जी मिश्र अंतर भी करवाया, ठीक है अच्छे नोट्स लिखे गए हैं, तो सब जगह से पढ़ने के बाद क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं है ना। छोड़ दे, अरे जी का बीमा भी इम्पोर्टेंट है, जी का बीमा लिख लो, दो क्वेश्चन करा दो, एगो लिखा हो गया बड़ा करा लेते हैं, जी बीमा देखो याद कर लेना इसका, वैसे तो निकाले होंगे शायद हम अथी में बीमा सब एमेंडर्सन पढ़ाए होंगे निकाल करके, हम M^-1 एल के आखिर राहुल मगन है अपने गुगम में, LQ और T^-2 ये किसका बीमा है? कैपिटल जी का। कोई दिक्कत समझ में आ गया ना? अब देखो क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वस्तु के द्रव्यमान वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए, यही सवाल है। अब की बार मास को बोला, अच्छा क्वेश्चन है और अलग क्वेश्चन चलो हो गया, और दूरियों घटाया है, देखो क्या बढ़िया क्वेश्चन ये है, दोनों के साथ हो गया बढ़ गया भी है, सब लोचा लगा दिया, समझ रहे हो ना, कुछ डाउन दुमनेट ऑन बाहर से घूम करके आईटी लेवल पढ़ा रहे हैं, पढ़ने दीजिए। यदि वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए, द्रव्यमान कितना गुना कर दिया जाए? दोगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच छोड़ दिया लगने वाला बल, ऐसा जी अभी बनेबे नहीं किए, तुमको खुजली होना दिमाग शुरू हो जाएगा, इतना गुना बढ़ जाएगा, देख रहे हो ना, एगो कौन अथिन बाबा रामदम का कोरोनिल दवाई लेकर कहीं ले पिला देते हैं, दो कहीं वो गाय देते हैं ना सुबह में, दो आदमी पकड़ना हम डालेंगे हमसे, समझ जाएगा ना, एक को पकड़ के दाएं देंगे। चलो यहाँ देखो, एफ बराबर फार्मूला होता है जी M1 M2 बटा क्या होती है R2। एक बार हिट भी कर हम लोग मारते हैं बगल में, फोर्स निकालना है ना। देखो वस्तु के द्रव्यमान को पहले क्वेश्चन पहले पढ़ लेना एक बार, अब फिर थॉट लगाना, डायरेक्ट करोगे दिक्कत हो जाएगा, तब काटना पड़ जाएगा, समझ लेना यहाँ। यदि वस्तु का द्रव्यमान कितना गुना कर दिया जाए? दो गुना, और उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए
तो उनके बीच लगने वाला बल कितना गुना बढ़ जाएगा। अब सोचो द्रव्यमान कितना गुना किए हैं, दूर रखने जरिए ऊपर जरिए, द्रव्यमान क्या दूरी क्या किए हैं आधा, दोनों जब आठ हो जाएगा सीधे मोसने बन गया। इधर कितना हो गया, आठ हो गया, फिर बढ़ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत करेंगे अभी सब आठ आठ हुआ ना, अब हो गया बड़का करेंगे क्या, आठ हुआ कि नहीं हुआ, अब फरिया लेते हम लोग। इस समझ में आठ कैसे हुआ, नहीं समझ में आया, देखो प्रोसेस करो, चलो करो। तो एफ जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए एफ न्यू बराबर जी मास कितना गुना किया है, दो गुना। अरे यहाँ रुको एक मिनट, यदि वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए, फंस गया ना क्वेश्चन में, इन्हें बोला है एगो का मास को द्रव्यमान को दोगुना बोला है, यानी कि दोनों को दोगुना करना पड़ेगा, ऐसे परिवर्तित रहेगा, चार ऊपर में चार नीचा में सोलह हो जाएगा, तब एगो थोड़े बोला है सिर्फ क्वेश्चन क्या, सुनो ना, द्रव्यमान को दोगुना द्रव्यमान को दोगुना किया है तो दोनों को द्रव्यमान दोगुना करेगा ना, इन्हें कहा एगो द्रव्यमान को दोगुना किया है, ऐसे एकदम आता है क्वेश्चन में, हम लोग करते हैं द्रव्यमान दोगुना, दोनों को दोगुना करना पड़ेगा, बात समझ में ना। तो जी टू एम वन गुना टू क्या करना पड़ेगा, ध्यान नहीं दिए खुशी से पागल, समझ रहे हो ना, यदि वस्तु के द्रव्यमान को क्या कर दिया जाए, कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, समझ में आ गया ना, तो उनके बीच लगने वाला बल कितना गुना बढ़ जाएगा। तो एफ उसे हम लोग समझ गए, एफ रेड फार्मूला होती है, ये द्रव्यमान दोगुना कर, ये भी दूना, अब बीच का दूरी क्या किए हो आधा, यानी कि पहले आर है, अब आर वाई क्या होंगे, टू होंगे, स्क्वायर हो जाएंगे, तो एफ न्यूज निकलेंगे यहाँ से, शांत रहो, उतना चार बाहर हो गया, चार एम वन एम टू बटे आर स्क्वायर बटे अब फोर कहाँ चले जाएंगे, आज इसको नहीं समझ में आता है, इसको बुझो टोटल को एक्स, ई देखो आर स्क्वायर बटे फोर है ना, ऊपर जाएगा एक्स गुना चार बटे आर स्क्वायर नहीं होगा, समझ जाएगा ना, जिसको कैलकुलेशन दिक्कत उसके लिए हम लोग जानते हैं, ऊपर चले जाएंगे तो चार चौक कितना हो गया, सोलह एफ न्यू फोर जो होंगे वो सोलह इंटू ये पूरा टर्म, तो सोलह इंटू क्या हो जाएंगे, एफ वन हो जाएगा, सोलह एफ वन नहीं एफ रखो, सोलह इंटू एफ नया वाला, इसमें नया एफ क्या बोला है, नया बराबर कितना हो गया, सोलह एफ यानी कि हो गया, कल यही पढ़े थे जो रह गया था उसको हो गया बोले थे, हो गया कितना, सोलह गुना बल हो गया, हो गया कितना गुना, सोलह गुना, अब बढ़ गया कितना, बस बढ़ गया पंद्रह गुना, कोई दिक्कत नहीं है राहुल, समझ लगे क्वेश्चन को, अब तुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, यदि वस्तु के मास को तीन गुना कर दिया जाए और दूरी को दो गुना कर दिया जाए तो नेका वाला कितने हो जाएगा, हो गया बोले हैं, क्या बोले हैं, नेका वाला मास को कितना गुना किए हैं, यदि वस्तु के द्रव्यमानों को तीन गुना कर दिया जाए, मास द्रव्यमान कितना कर दिया जाए और बीच की दूरी को भी तीन गुना कर दिया जाए तो एफ नेका वाला कितने होगा, दूरी को तीन गुना किए हैं और मासों का तीन गुना किए हैं तो नेका वाला कितने होगा, हैं पवन कहेगा, तू कहेगा, ठीक है सर, तू कहेगा, जिससे पूछेंगे वही हाँ बोलेंगे ना, उसके बाद तू लिविन में क्या करता है सर जी, आकाशीय है हल्ला करता है, नौ तो नौ कुछ ना बुर्बक बना रहा है, तब क्या अनुपात बताइए क्या होगा, नेका वाला और पहलका वाला क्या बताइए, एक अनुपात एक, तू सोचेगा कि एक कुछ डाटा दिया है तीन तीन नौ इक्यासी, तो उस प्रकार से कर देंगे हम लोग, मारन तू लोग अभी खुशी से पागल था, खुशी मत देते मारने तो क्वेश्चन गलत करोगे एग्जाम में इसको, अरे मास को एफ बराबर है ना, पहलू का वाला मास को क्या तीन गुना कर दिया, तीन गुना उसको भी तीन गुना किए हैं, दूरी कितना कर दिए हैं, तो तीन गुना कर दिए हैं स्क्वायर, हाँ तो तीन तीन नौ और तीन तीन नौ कट गया सब खत्म, वही तो गोप हो गया, एफ एफ बराबर वही तो निकला, एफ वन बराबर एफ निकल गया, इस प्रकार से दोनों परिवर्तित रहेंगे, एफ बोलो सिर्फ कोई दिक्कत, तो ऐसे इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन से, और मैंने एम वन दोनों एम वन एम टू सेम द्रव्यमान है, कौन दोनों एक M1 M2 सेम द्रव्यमान, कैसे सेम द्रव्यमान का होगा, M1 M2 अलग अलग द्रव्यमान, एक बॉडी का मास दूसरे बॉडी का मास M2,
हम लोग सॉल्व करने के लिए एम वन एम टू बराबर एम वन एम एम कह देते हैं ताकि गुना भाग कम हो, इसीलिए दोनों का मास अलग अलग होंगे ना, दोनों बोली का मास क्या होगा अलग अलग होगा, और दोनों को दुना किया है इसीलिए हुआ ऐसा, बाद में फार्मूला आया नहीं ये, इसके बदले हम बाद में क्या लिख देंगे हम लोग, चार चौके 16 जी एम वन एम टू बेटा क्या कह देंगे, इतना का मान किसके बराबर होंगे, एफ के बराबर होंगे, तो 16 एफ नहीं बराबर 16 इंटू एफ हो गया, बाकी क्लियर। चलो ये बात समझ में आ गया सबको, हो गया और बट गया। एगो इस पर डाटा वाला क्वेश्चन, अंकित को पढ़ने का तो मन है ही नहीं, झूठा क्वेश्चन दे दीजिए। पृथ्वी की सतह पर सतह पर खड़े 50 के जी, हल्का हल्का क्वेश्चन आता है फॉर्मूला में जो रेक बन जाते हैं, समझना करना वो हम लोग को तो सीखना है। 50 के जी के व्यक्ति पृथ्वी पर खड़े 50 के जी के व्यक्ति पर पृथ्वी कितना, इतना हाथ हाथ कॉपी नहीं है, लिखो फिर मिटा लेना, समझ रहे कौन कॉपी है, ये है बच्चा वाला स्लेट पेंसिल है, लिखो और फिर साबुन लगा सुबह क्या करो साफ कर दो उसको। पृथ्वी की सतह पर खड़े 50 केजी के व्यक्ति पर पृथ्वी कितना गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी, बल लगाएगी है ना, पृथ्वी का देखो यदि पृथ्वी को सुनाता है ना तो हो सकता है पृथ्वी का द्रव्यमान नहीं हो देती है, या नहीं होते रेट लेना तू अभी बताते कितना होता है, दो चार बात ध्यान रखना। पृथ्वी का द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, तर्जोरिया से कि वही वाला नपनों से है, दोनों तब कैसे निकालेगा हम लोग को नहीं है पढ़ना, कैसे निकालते हैं द्रव्यमान पृथ्वी का है, जो गम बुरबा खूब कहता है ना हम डंडी पूरा लेते हैं करो ना धरती को बैठना पा कहते हैं कहना हमको पता है तब समझेगा पढ़ने का मतलब क्या है, कहना यहाँ सूरज कितना दूरी है आने में कितना सेकंड लगता है, कहेगा तू कैसे जानता है, कहना हमको फोन करके बोले हैं 800 सेकंड। अब देखो ये कैसे कैसे डाटा वेरी करता है, तुम लोग दिक्कत कर दोगे एग्जाम, मैट्रिक वाला हम पढ़ाए हैं फर्स्ट एग्जाम ग्रुप में आज डाल भी देंगे 20 सेकंड बस। अरे एक एक क्वेश्चन फंसाएगा इस पर, एक से तू लोग फंस जाओगे, कल जाते जाते रहना क्लास का दही चर्चा कर देंगे, इसमें कुछ वेरिएबल डाटा है जो पूछे जाते हैं ग्रुप में जुड़े होने का, मैट्रिक वाला ग्रुप फर्स्ट किया इसके मोबाइल में बता देंगे, नहीं तो फिर जो छूट जाता छूटिया जाता है वाला हुआ ऐसा चर्चा बुरा चर्चा किए हैं, निकाले भी यहाँ कैसे तू रटे हो ना 500 सेकंड कैसे जाए उसको ड्राइव किया दसवा में, ड्राइव किया है मैंने समझ रहे हो ना, तो पृथ्वी का द्रव्यमान याद कर लेना, आज के बाद कोई पूछेगा 6×10^24 मीटर, इसमें मात्रक ने लिखा है केजी ही होंगे, मात्रक ने लिखा है इतना क्या होंगे केजी, मास है तो केजी होंगे ना, तथा तो गुरु पर थोड़े दूर है दसवां में, तथा पृथ्वी की त्रिज्या हम जुड़ा है 64 मोबाइल लेकर आया है तो जुड़ेगा 64 हमको 93 पूछिए त्रिज्या, लेकिन 6×10^4 6 मीटर पहले क्वेश्चन में कहा है इतना हमने कहा पहले के क्वेश्चन में कुछ कर दे, हां तो वेरिएबल का पहले क्लास में वो अगले बार नहीं भेजे थे उनका मोबाइल पकड़ लिया बल, हाँ पहलू का पीटर में गया था लाइट लग से पढ़ाए थे उसमें होगा ठीक है, अरे 6400 होता है 6400 मीटर होता है पृथ्वी की त्रिज्या 6400 हाँ 6400 होता है, हाँ तो 6400 मीटर में होगा ना, मीटर में होगा मीटर में किलोमीटर में किलोमीटर में होता है किलोमीटर में करें मीटर में मीटर में रहता है, हाँ ठीक है। पृथ्वी का द्रव्यमान इतना दे दिया है 6×10^4 कितने दे दिया है सुना ना 24 के जी दे दिया है पृथ्वी द्रव्यमान दे दिया है और पृथ्वी मीटर दे दिया, नेक्स्ट पेज लाओ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और तथा जी का मान लगा दो जी का मान 6×10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, अरे गलत लिखा पर के जी लिखा पर के जी स्क्वायर पड़ा था ना, हाँ प्रिंट इसमें होंगे ठीक है कोई बात नहीं, चलो ठीक है निकालो निकालो अति निकालो ना नया पेज निकालो ना लगाओ तो सॉल्यूशन हो गया बराबर जी एम वन
एम टू बटे आर स्क्वायर गुना 10 के पावर माइनस दे देगा तो वही लेना जो कहेगा। और मान लो क्वेश्चन देता है 6.6 देगा तो एकदम पॉइंट पे सॉल्व कर पाओगे तो जनरली दे ही देता है, तो नहीं देगा तो तू अपने से ले लेना, वैसे दे देगा क्वेश्चन एग्जाम में क्योंकि 6 देगा तभी तू गुना भाग में तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसका और मास दिया था कितना की थी 6 गुना 10 पावर 24 M1 था M2 का 6 गुना 10 पावर 24 पर एक व्यक्ति खड़े थे तो व्यक्ति का मास कितना हो गया 50 केजी और पृथ्वी का 6 गुना 10 पावर 24 केजी हो गया। और कट का सब न्यूटन सब रखो हम क्या न्यूटन मान जाएगा। और त्रिज्या दिया था 6 गुना 10 पावर 6 हो गया ऐसे है स्क्वायर होगा इसका ठीक है 12 हो जाएगा। तो चलो ये 2 के 6 से 2 6 कट गया अच्छा 2 ना 12 हो गया 12 में से 13 गया 10 6 दूना 12 गया ना 10 पावर 1 अल्लाह बंद करो ना 6 दूना कितना हुआ 12 ऊपर जाएगा 23 से 12 गया 12 अब 12 का घटा तो 1 माइनस 1 ये हुआ तो 1 खत्म यानी कि ये खत्म है सर 10 पावर 1 बचा था 10 पावर प्लस 1 बचा ये 0 10 पावर सर तो रेल का सर जी हां हां सर बारह माइनस 11 कितना होगा 2 यानी कि 100 शांत रहो तू बोलते काहे हो फिर सिर्फ क्या बचा था 5 यानी कि कितने हो गया 500 न्यूटन ऐसे 6 करोगे तो जिंदगी बीत जाएगा करने में काट फाट के एक रंग कर दो मिलाई उलाई को सबको समझ जाएगा ना। तो फोर्स कितने निकल गया 500 यानी कि क्वेश्चन समझे कि हम लोग पृथ्वी सतह पर खड़े 50 केजी के व्यक्ति पर पृथ्वी में कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। अच्छा ये पृथ्वी सतह व्यक्ति यहाँ एक पृथ्वी की सरफेस है यहाँ एक व्यक्ति 50 केजी व्यक्ति खड़ा है तो उसको कितना वेट से पृथ्वी खींचेगा 500 न्यूटन की फोर्स से खींचेगा। अच्छा एक चीज़ नहीं पढ़ाए हैं जी का मा, अच्छा 9.8 लगाता हूँ डिस्कस वहाँ करेंगे वेट मास जब पढ़ाएंगे ना अंतर दोनों में तो वहाँ जी का मा 9.8 आती है तो जैसे त्वरण नहीं त्वरण बढ़ेगा तो फोर्स तुरंत निकाल लेता तू इसमें भी निकाल पाओगे। अच्छा बोले थे वो लाइट वाला तक करा देते हैं छूटी जाएगा लाइट उसे ख़त्म है चैप्टर दसवां में तो प्रूफ किए थे तो यहाँ तो प्रूफ नहीं करना है निकाल सकते हो यूरा छोटे से निकाल सकते हो कुछ भी नहीं है देखो ये है सन है ना और ये है अर्ध और सूर्य भगवान यहाँ से मारेगा अपना गुस्सा झाड़ेंगे और ये आने में यहाँ से यहाँ तक आने में 8.8 + 0.3 मिनट इतने बोले थे इतना लगेगा 8 + 0.3 मिनट लगता है यानी कि 8 मिनट + 0.3 मिनट यानी कि 8.3 मिनट हुआ। यही लिखे थे ना क्या यही लिखे थे यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा है क्या लिखे थे हम मिनट ही लिखा हुआ है ना 8.0.3 मिनट ठीक है एक कभी दिक्कत हो जाता है इसीलिए अच्छा ठीक 8.3 मिनट ही लिखे हुए हैं यानी कि 8 + 0.3 मिनट। अब देखो यहाँ से कैसे कैसे हम लोग बात करेंगे यहाँ से जो है जो लगेंगे यानी कि टी बराबर लिख देंगे सब समझ जाओगे टी बराबर लगता है एक्चुअली डाटा आती है 498.66 सेकेंड ड्राइव किया इस चीज़ को लगभग मान लेते हैं 500 सेकेंड बोलो कितना आएगा। हाँ डाटा मैंने निकाला था गुना भाग करके 498.66 सेकेंड बहुत किताब में 498 499 तो कोई 490 भी कभी कभी तो लगभग कितने होते हैं ऑप्शन देखना क्या कहा है 500 एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में 500 सेकेंड कि सूर्य का प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगेगा 500 सेकेंड या इसी को कहते हैं अप्रोक्सीमेटली 8.3 MINUT लगेंगे इसी को कहते हो अप्रोक्सीमेटली इसी को या 3 मिनट या कहते हो 8 MINUT और 18 से 22 सेकेंड ये वाला पूरा गप हुआ अलग अलग डाटा क्वेश्चन वैसे आते हैं एग्जाम में समझ में आएगा ना कैसे पूछेंगे सूर्य के प्रकाश पृथ्वी आने पर 500 सेकेंड
ई नहीं रहेगा तो 4.66 सेकेंड या 8.3 मिनट, फिर 8 मिनट 18 से 22 सेकेंड, कहीं पर 18 मिलेगा, कहीं पर 20 मिलेगा, कहीं पर 22 मिलेगा, तो सब सही है। बात समझ आ गया ना? तो ये तीन डाटा वो हो गया कि सूर्य भगवान के धरती पर पधारने में कितना समय लगते हैं। कोई दिक्कत पवन देव? और अगला प्रोग्राम हम लोग अब कल करेंगे, और कल हम लोग कल नहीं मतलब सुबह तो बेकार। हाँ। लगा था।